नमस्कार, मैं शाहबाज खान, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज की चौपाल लगातार जारी है। हम पहुंचे हैं मोती नगर वार्ड में। इस वक्त मेरे साथ वार्डवासी मौजूद हैं। सागर विधानसभा चुनाव को लेकर, सागर को लेकर उनसे बात करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? जी, ब्रजेश सेन। ब्रजेश, क्या करते हो आप? जी, मेडिकल शॉप पे। मेडिकल शॉप पे? हाँ। खुद की आपकी? नहीं, खुद की नहीं, काम करते हैं उस पे। काम करते हैं। कैसा क्या आप चल मतलब कमा लेते हैं? कुछ नहीं, 2-3 हजार, 6 हजार रुपए महीने। अच्छा, कम है मतलब। हाँ। क्या लगता है ब्रजेश, सागर में विधायक कौन होना चाहिए इस बार? इस बार तो बदलाव है, वक्त अच्छा बदलाव का है। पार्टी से है किसी आप? पार्टी से तो नहीं है मैं। हाँ। लेकिन लग रहा है जैसे वक्त बदलाव का है। अच्छा, लग रहा है आपको। ठीक है, कैसा सागर कैसा होना चाहिए हमारा? सागर तो अच्छा होना चाहिए। क्या देखते हो आप, चूंकि युवा हो, क्या आपकी मतलब परिकल्पना? युवाओं के हिसाब से जैसे नेवी भैया को टिकट मिला है, युवाओं के हिसाब से बहुत अच्छा है। अच्छा, अच्छा है। अच्छा है, मतलब आपका कहना है कि युवा है तो इसलिए आना चाहिए। आना चाहिए, नेवी भैया को आना चाहिए। क्या नाम है इनके? हाँ, टीका राम। टीका राम जी, क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अंकल, क्या लग रहा है इस बार की सागर विधानसभा में कौन होना चाहिए विधायक सागर से? अब विधायक तो अब जो आते पहले वो ही होने चाहिए, और क्या। अच्छा, और क्या चैलेंजन? हाँ ठीक है। क्या लग रहा है कि सागर हमारा कैसा होना चाहिए, और क्या आप चाहते हो? अब और विकास होना चाहिए सागर में, और क्या। किस तरीके का है? मजदूरों को मजदूरी अधूरी मिलना चाहिए। अच्छा, अभी जितना हुआ है संतुष्ट हैं आप उससे? अभी जितना विकास कार्य हुआ है? नहीं है, उससे तो नहीं है अभी। फिर और विकास विकास होना चाहिए, और होना चाहिए। हाँ चलो ठीक। भाई, क्या नाम है? गोपाल। गोपाल जी, गोपाल, इस बार क्या लग रहा है कि सागर से कौन जीत कर आएगा? इस बार अगर शैलेंद्रन को जिताते हैं तो शायद सी बात है वो मंत्री बन के यहाँ चले जाएंगे। कोई मतलब नहीं है उनको सागर से। हमारा सोचने का मतलब तो ये है कि कोई नया आदमी को लुवाया जाए और उसको विधायक बनाया जाए, अपने उसका विकास हो, उससे सही रहेगा। और हमारा जहाँ तक की मानना है कि शैलेंद्रन को नहीं जिताया जाए। कौन होना चाहिए वो? ये अपने और कोई भी हो जाए, नहीं भैया हो जाए, और कोई भी हो जाए, बाकी शैलेंद्रन नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक। क्या नाम है भाई साहब? दीवान सिंह भदौरिया। दीवान सिंह भदौरिया, क्या करते हैं भाई साहब? हम पापा जी के साथ में अपने मिक्सर का है, लेंटर रवाते हैं, पापा जी के साथ में रहते हैं। अच्छा, लेंटर का काम? हाँ, है आपका मिक्सर मशीन। कैसा क्या हो जाता है काम? हो जाता है हफ्ते, मतलब महीने में 10-20 दिन लग जाता है। महीने में? हाँ, प्रति दिन वाला काम नहीं है। अच्छा, क्या देखते हो आप सागर में, क्या होना चाहिए हमारे सागर में? सागर में अभी काफ़ी कुछ होना चाहिए, बहुत सी ज़रूरतें हैं जो अभी सागर में नहीं है। जैसे अपने मोती नगर वार्ड में है, यहाँ पर एक भी खेल का मैदान नहीं है। दूसरी चीज़ कोई भी अपन कार्यक्रम करते हैं तो सरकारी सामूहिक भवन नहीं है। तीसरी चीज़, सरकारी स्कूल नहीं है मोती नगर वार्ड में। अच्छा। चौथी चीज़, यहाँ पर कोई एक भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, हर वार्डों में है, मोती नगर वार्ड में है नहीं। दूसरी चीज़, जगह भी नहीं है। अपन ने एक दो बार वार्ड मेंबर से भी बोला तो वो भी बोलते हैं जगह बताओ, हम बनवा देंगे। जगह नहीं है? हाँ, तो सरकारी जगह पहले से रखना था ना, वो है ही नहीं। सरकारी जगह पहले से रखना था, सामुदायिक भवन, और अन्य तरह के लोग वार्डवासी वो अपेक्षा कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? प्रदीप सिंह ठाकुर। प्रदीप भाई, क्या करते हो आप? कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम, ठेकेदारी करते हैं। क्या लग रहा है इस बार सागर में? इस बार देखो अब क्या होता है, अब सोच तो रहे हैं कि बदलाव हो जाए। 3 वार्ड से विधायक हैं शैलेंद्रन, उनके कार्यों को देखते हुए नहीं लग रहा कि वो आ पाएंगे। लेकिन अच्छा, आपके मुताबिक काम नहीं हुए क्या? अच्छे काम अच्छे नहीं हुए ना इधर अपने। क्या देखते हो आप, क्या होना चाहिए? रोजगार तो चाहिए चाहिए, रोजगार बड़ी समस्या है। सब बड़ी समस्या है सागर में। क्या देखते हो सागर में, क्या सागर में उद्योग धंधे आने चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री आनी चाहिए। अभी कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, ना उद्योग है ना फैक्ट्रियां हैं। एक छोटा सा धंधा था बीड़ी का, वो भी चौपट सा हो गया है ना। सर बाहर जाते हैं आके सागर को, जिस नाम से मतलब हम कह सकते हैं पहचान है सागर, हमारा एक बीड़ी कारोबार होता था वो ही बंद है। पहले बड़े तौर उस पर होता था, लेकिन अब उतना रह नहीं गया, रह नहीं गया तो दूसरा उद्योग लाना चाहिए। 10 साल से विधायक है शैलेंद्र जी, ने कुछ सोचा है? अभी तक कुछ नहीं सोचा। बदलाव आप होना चाहिए आप कह रहे हैं। भाई साहब आगे आ जाइए। क्या नाम है भाई साहब? मुन्ना सेन। मुन्ना जी, क्या करते हो आप? हम मारुति कंपनी मलैया जी के। अच्छा अच्छा, प्राइवेट काम करते हो। क्या लग रहा है भाई साहब की सागर हमारा कैसा होना चाहिए? और सागर अच्छा होना चाहिए। क्या देखते हो आप? होना चाहिए
स्वच्छ सागर, ठीक है। अभी तो अभी मतलब जितना विकास कार्य हुआ है, संतुष्ट हो आप उससे? नहीं, उससे संतुष्ट नहीं है। वही मैं पूछ रहा था, क्या आप चाहते हो कि क्या और होना चाहिए, अच्छा क्या होना चाहिए? सब कुछ अच्छा होना चाहिए सागर के अंदर। अच्छा, मतलब हर लिहाज से अच्छा होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। क्या लग रहा भाई साहब इस बार की विधानसभा जो चुनाव है, बीजेपी से शैलेंद्र जैन है, कांग्रेस से नेवी जैन है, उसके अलावा अन्य पार्टियों से भी उम्मीदवार उतारे गए हैं, क्या लग रहा है कि इस बार कैसा मुकाबला होगा? इस बार दूसरी पार्टी आनी चाहिए। अच्छा, दूसरी पार्टी आनी चाहिए। पार्टी से हैं आप किसी? नहीं, किसी पार्टी नहीं है, किसी पार्टी से नहीं, ठीक है। मोतीनगर वार्ड में हम पहुंचे थे चौपाल लेकर, सागर टीवी न्यूज़ की चौपाल हम लगातार वार्डों में लेकर जा रहे हैं और जनता से हम रूबरू होते हैं, जनता से बात करते हैं कि आखिर कैसा विधायक को देखना चाहते हैं, कैसा वो सागर देखना चाहते हैं, तमाम तरह की बातों पर हम उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर कैसा विधायक, कैसा सागर वो देखना चाहते हैं। इस वक्त फिलहाल इतना ही, शुक्रिया।